हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईएमआरएस का जो कट ऑफ है, हमारे पास जो एग्जैक्ट आपके आंसर आ रहे थे काट पीट के, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग काट के आपके नंबर आने चाहिए थे, उसका हमने एक यहाँ पर पोल कंडक्ट कराया था। तो उसके यहाँ पर जो हमने पोल कंडक्ट कराया था, उसके रिव्यू हमें मिल चुके हैं। तो कितना उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे का कट ऑफ क्या रह सकता है, जो हमने रिव्यू आपको करवाया था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 130 मार्क्स में से आपके जो है कितने सही नंबर बन रहे हैं नेगेटिव काट कर, उसका हमने यहाँ पर पोल कराया था। तो देख लेते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर पोल कंडक्ट किया है, और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी का क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमने पोल कंडक्ट कराया था आज से 6 दिन पहले, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए 6 दिन पहले हमने कंडक्ट कराया था, जिसमें मैंने लिखा था आपकी ई एम आर एस जैसे एग्जाम में 2023 में कितने नंबर बन रहे हैं, 130 में से सही सही बताना, नेगेटिव माइनस काट के। ठीक है, और अगर आप में से किसी ने भी यहाँ पर पोल अगर नहीं कराया अभी तक, तो चाहिए सबसे पहले यहाँ पर पोल करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डाटा निकल गया है हमारे पास, 5,800 जो कैंडिडेट है उसका, यानी कि लगभग आप मान के सकते, चल सकते हैं इसको 6,000 कैंडिडेट। ठीक है, पहले मैं आपको 6,000 पे कैंडिडेट पे करके दिखाऊंगा, और आपको मालूम है कि ये जो एग्ज़ाम दिया हुआ आपका 6,000 ने तो नहीं दिया हुआ, कम से कम ये आपका जो एग्ज़ाम है वो 50 के प्लस जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो हम अभी छोटे अमाउंट पे आपको दिखा निकाल के दिखाऊंगा कितना जा सकता है। तो देखिए 100, देखिए यहाँ से मैंने जो रेंज कही थी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम ये 6,000 पर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से 106 से लेकर 115 या उससे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो 11% है। ठीक है, 11% अगर 6,000 का निकालेंगे तो हम 10% सीधे से निकाल लेते हैं, यानी कि 600, और 99 से लेकर 105 के कितने हैं, 10%। तो ये भी लगभग आप देख सकते हैं कि 600 600 बंदे ही होगा, 10% अगर 6,000 का, 6,000 कैंडिडेट हम टोटल मान लें, टोटल अगर हम यहाँ पर 6,000 कैंडिडेट माने, तो उसमें से 600 यहाँ आ गए और 600 यहाँ आ गए। अब ये देखिए, इसको आप एक इसका जो 1% है यहाँ उठा कर डाल दो, लगभग 20% हो रहा है। तो आप अगर 20% ले तो 91 से 98 के बीच 20%, यानी कि 1,200 कैंडिडेट। ठीक है, और आपके जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 1:3 में बुलाए जाएंगे, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है 759, इसका 3 गुना आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि 3 9 27 15 16 17, 3 7 21 और 1 22, 2,277 कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे, या यूँ कह लो 2,300 कुल कैंडिडेट यहाँ पर आपके बुलाए जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो देख लो अब ये कितने हुए हमारे, तो 1,200 ही हो गए। ठीक है, और 1,200 2,400 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट हो गए, 2,400। ठीक है, 6,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 600 आएगा, 20% निकालेंगे तो 1,200। तो देखिए 2,400 कैंडिडेट हमने यहाँ ले लिए, हमें बुलाने थे 2,300। तो देख सकते हैं जो 2,400 कैंडिडेट है केवल कितने से, 91 से लेकर 115 के बीच आ रहे हैं। तो इनका तो भूल ही जाओ कि आप, इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो 25% में दिख रहे हैं या 36% में दिख रहे हैं, इनका सिलेक्शन आप भूल जाओ कि कहीं ना कहीं होने वाला है, अगर इन लोगों ने बिल्कुल सही सही यहाँ पर जो है अपना रिव्यू दिया हुआ है। और ये हमने कैलकुलेट किया 6,000 पर, तो 6,000 ने तो एग्जाम दिया नहीं हुआ, हम मान रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, बट हम इसको ले लेते हैं कितने पर, मात्र हम ले लेते हैं कि मान के चलिए 10,000 कैंडिडेट ने ही आपका एग्जाम दिया हुआ। कितने ने दिया हुआ, 10,000 ने। तो 10,000 में अगर हम करके देखें, तो देखिए यहाँ पर 10,000 का मैं करके दिखाता हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ से हम पूरा इरेज कर लेते हैं, इससे आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर हमने लिया कि 10,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। अब देखिए 10% यहाँ पर, तो 1,000 तो ये हो गया, लो यहीं पे काम खत्म हो गया। फिर 10% यहाँ पर और 1,000 यहाँ पर हो गया, 2,000 तो ये हुआ, लो अब बताओ क्या बचा, 2,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका देखिए 99 या यूँ कह लो कि 100 से अबव जो मार्क्स है वो 2,000 कैंडिडेट है केवल 10,000 के बच्चों के आंकड़ों में देखे अपन, अगर इसका डबल कर दें तो। ठीक है, हालांकि कैंडिडेट ने जो एग्जाम दिया वो 50,000 से ज़्यादा, बट हम मिनिमम इसको लेके चल रहे हैं कि इतना, तब भी आप देख सकते हैं कि 2,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 99 या उससे अबव मार्क्स आ रहे हैं, बचे 300 बंदे, 300 को यहाँ कैलकुलेट ले लो, ये कितने, 17%, तो इसको 15% मान लोगे तो अभी ये कितना होगा, 1,500 यहाँ पर दिख ले, 1,500 बच्चे तो यहीं आ गए, तो ये भाई 3.5 तो वैसे ही हो गया, पर हमको तो कितने चाहिए, मात्र 2,300 बच्चे चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ रहने वाली है, कहाँ स्टैंड करने वाली है।
अब इसमें कैटेगरी वाइज जो है आपकी अलग अलग जा सकती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कट ऑफ, तो ठीक है यहाँ पर भी बताऊंगा फिर आपका कि ये आप अलग अलग कट ऑफ बताए दो, तो वही क्या करूँ ठीक है, जैसे जैसे आपका डाटा निकल रहा है तो मैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ दे देता हूँ। आपका ही डाटा है, मैं तो यहाँ कुछ के नहीं, बाकी आंसर की आपकी आ जाएगी 1 से 2 दिन में तो आपको मालूम पड़ जाएगा ठीक है। तो यूआर का मैं फिर बोलूँगा कि कितने मार्क्स वालों को टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी है, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से ले जाके, 1 सेकंड रुकिएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ठीक है। ये मेरा कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, यहाँ ये कम्युनिटी टैब है, यहाँ पर मैंने ये पोल कंडक्ट करा रखा है तो यहाँ पर ले लेना है ना, 1 से 2 दिन में आंसर किया जाएगी तो उसका भी मैं एक पोल बना के डाल दूंगा तो वहाँ से आप देख लेना। देखिए टाइपिंग के यहाँ पर मैंने ये वीडियो डाल रखे हैं कि एक ये वीडियो ये टाइपिंग कैसे होगी ठीक है, पूरा डिटेल दिखाया था, और ये बेस्ट सॉफ्टवेयर कैसा है, घर से आप कैसे टाइपिंग सीख सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर जाके देख लीजिएगा ठीक है। चलिए तो देखिए यूआर की अगर बात करें टाइपिंग के लिए कितना, तो जिस किसी के भी 98 या इससे ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल लग जाइए, ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो किसी के भी 94 या इससे ऊपर आ रहे हैं तो बिल्कुल लग जाइए, एससी की बात करें तो 88 से ऊपर आ रहे हैं तो बिल्कुल लग जाइए, और एसटी की अगर 85 या इससे ऊपर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है आपकी टाइपिंग में लग जाइए ठीक है, इतने मार्क्स वाले लग जाइए। ये मैंने उसमें से भी कम करके दिखा दिए जो आपका मैंने पोल कंडक्ट कराया था, क्यों हो सकता है किसी कारण से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन में एरर हो जाए तो वो हमें मिल जाएगा, बाकी आंसर की 1 से 2 दिन में आ जाएगी तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, चैनल को जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको इसकी तुरंत अपडेट दे दूँगा ठीक है, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे 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 आने वाले एग्जाम्स के लिए जीके की तैयारी करने के लिए हमारे सेकंड चैनल द एग्जाम पर जीके को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।